Hello everyone, I am Shweta and welcome back to another Q&A session after so long time. तो यहाँ पे मैं commonly asked questions के बारे में answer करना चाहूँगी और साथ ही साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ creative यहाँ पे बन रहा है तो last तक ज़रूर रुकना. So before starting this video, there is a quick note कि अगर आप लोगों को कुछ भी इन डिटेल क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, नो मैटर हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आस्क एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट इन डिटेल. ओके, रैदर देन जस्ट आस्किंग दैट आई हैव डाउट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और समथिंग, जस्ट ट्राई टू इलेबोरेट योर क्वेश्चंस ताकि मैं उसको नेक्स्ट Q&A में आंसर कर पाऊँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चंस दैट how much did you spend for CITR registration, opening your bank account and activating your health insurance? तो आंसर इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने एक भी यूरो खर्च नहीं किया है इसके लिए. लेकिन यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द डॉक्यूमेंट्स बिकॉज दे डोंट डू एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज वाइल डूइंग ऑल दीज थ्री थिंग्स. ओके, सो आपका खर्चा कुछ नहीं होगा लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से और सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं. अगर आपको नहीं पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं देन यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो विच इज़ चेकलिस्ट आफ्टर अराइविंग इन जर्मनी. ये आपको बहुत हेल्प करेगा. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि वॉट इज़ योर मंथली एक्सपेंसेस. सो माई मंथली एक्सपेंसेस वेरीज फ्रॉम 800 to 900 euros. इसमें मेरा सब कुछ कवर हो जाता है जैसे कि रेंट है, कॉलेज कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरा इंश्योरेंस है एंड ऑल द ग्रॉसरी स्टफ. So moving forward to the next question, how and from where did you learn German language and got your certificates? So इसका answer बहुत simple है. अगर आपको जर्मनी आना है तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही certificate valid रहेगा लैंग्वेज का, which is from Goethe Institute. और आप ये आपके होम कंट्री से भी दे सकते हैं इसकी एग्ज़ाम्स. ओके, सो इसकी एग्ज़ाम्स के लिए आपको एक्सटर्नली कुछ फीस भरनी पड़ती है एंड देन यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम, बट द सर्टिफिकेट इज़ इंटरनेशनली वैलिड. एंड मैंने भी जर्मन का एग्ज़ाम गोथे इंस्टीट्यूट से ही दिया था. फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने मुझे पूछा था दैट हाउ मच CGPA इन इंडियन ग्रेड डू वी नीड टू गेट एडमिशन फॉर ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन TU Chemnitz. सी, तो बेसिकली जब मैंने चेक किया था मेरे टाइम पे देन इट वाज मिनिमम 7.5 to 8 CGPA इन इंडियन ग्रेड आउट ऑफ द स्केल ऑफ 10. सो योर आई विल रेकमेंड यू दैट गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ TU Chemnitz एंड वहाँ पे आप चेक करो कि अभी रिसेंटली क्या उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं रिक्वायरमेंट्स में, या फिर अपकमिंग ईयर्स में अगर वो कुछ चेंजेस करेंगे देन यू शुड डेफिनेटली कीप ऑन चेकिंग एंड अपडेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ओनली. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा लगेज दैट यू कैरीड. सो मैंने एक्स्ट्रा लगेज के लिए अराउंड 18,000 rupees भरे थे एंड विच वाज नॉट दैट वर्थ क्योंकि मुझे उनके इतने ज़्यादा ऑफर्स वगैरह मालूम नहीं थे उस टाइम पे. तो डेफिनेटली अगर आप ट्रैवल करने वाले हो किसी भी फ्लाइट से तो आप मेक श्योर करना कि कुछ ऑफर्स चल रहे हैं या फिर एक्सप्लोर करना. जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना आपको ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी तो मुझे इतना कुछ मालूम नहीं था और मैंने सीधा वहाँ पे उतने वाले अमाउंट भर दिया था विच वॉज 18,000 अराउंड 18,000 नॉट एग्जैक्टली. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद मैंने ये क्वेश्चन कहीं पे भी मिस आउट किया होगा दैट अगर कोई जर्मनी में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया है और वो फर्स्ट टाइम आया है जिनके कोई रिलेटिव्स यहाँ पे नहीं है और उन्हें एयरपोर्ट से अपने अकोमोडेशन तक जाना है तो वो क्या ट्रांसपोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे खुद को गाइड कर सकते हैं वहाँ पे जाने के लिए. ठीक है, तो इसके बहुत सारे आंसर्स हैं. लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग यू कैन यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि है DB नेविगेटर जर्मनी के लिए स्पेसिफिक विच इज़ डॉयशे बान. वो आपको उसमें सारे शेड्यूल्स पता चल जाएंगे, रूट्स पता चल जाएंगे और टिकट्स कितना प्राइस होने वाला है सब कुछ.
सब कुछ आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, दैट इज़ गूगल मैप्स, जो कि मैंने पर्सनली यूज़ किया था राइट फ्रॉम लैंडिंग इन जर्मनी. तो मैंने गूगल मैप से मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था मुझे गूगल मैप्स का, क्योंकि वहाँ पे कैसे है ना, आपको बहुत वाइड रेंज ऑफ रूट्स पता चल जाते हैं कि अगर आपको कुछ भी डेस्टिनेशन तक जाना है तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस भी दिख जाते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शन. नेक्स्ट है आपके लोकल ट्रांसपोर्ट ऐप, जैसे कि MVG फॉर इन्फो म्यूनिक के लिए यूज किया जाता है, और आई थिंक DVG इज फॉर बर्लिन. तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट ऐप्स भी चेक कर सकते हो पर्टिकुलर एरियाज के लिए जहां पे आप जाना चाहते हो. नेक्स्ट, इन कंटिन्यूएशन में भी ये क्वेश्चन था कि आपने डॉर्म के कीज कैसे कलेक्ट किए, या फिर कैसे कलेक्ट करने चाहिए अगर हम स्टूडेंट डॉर्मेटरीज ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं. तो उसका आंसर बहुत सिंपल है, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. वहाँ पे सारे आपको डिटेल्स और ऑप्शंस मिल जाएंगे उनको कांटेक्ट करने के लिए, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन कांटेक्ट देम. और आप उनसे सब कुछ क्लियरली पूछ सकते हो कि कैसे करना है, कब आना है कीज लेने के लिए वगैरह वगैरह. सो यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये आया था कमेंट में कि टेल मी इफ़ यू हैव डन द एडमिशन प्रोसेस बाय योरसेल्फ और कंसल्टेड एनी स्टडी अब्रॉड कंपनी. तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, मैंने जो प्रोसेस है वो खुद से किया था, बिकॉज इट वाज वेरी सिंपल और सारे रिसोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल थे. बहुत सारे लोगों की हेल्प भी ली थी मैंने, बहुत सारे लोगों से बात भी किया था जो कि मेरे सीनियर्स थे या फिर ऑलरेडी उनको कुछ एक्सपीरियंस था वगैरह वगैरह. और मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का तो पूरा पूरा यूज़ कर लिया था. ठीक है, तो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आई एम करंटली वर्किंग इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी फॉर वन ईयर आफ्टर BTech इन CS. इज इट वर्थ कमिंग टू जर्मनी फॉर डूइंग मास्टर्स एंड देन डूइंग जॉब्स फॉर 5-6 years एंड देन रिटर्निंग टू इंडिया? सी, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. एंड इफ यू आर कन्फ्यूज कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, देन डेफिनेटली आपके फील्ड में अगर कुछ आपको यहाँ पे मिलता है इंटरेस्टिंग, देन डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई आउट. आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद सीखोगे एंड यू विल एक्सप्लोर lot more things, you will be learning a lot new things. So definitely it is worth it, but you should research on your own and find your own interest. I will consider this as a most important point. So yeah, that's all for this video. And आपको ये last वाला look कैसा लगा मुझे comment section में बताना, ये drawing आपको कैसी लगी. And अगर आपके questions और कुछ है तो comment section में मुझे in detail questions डाल देना. No, डेफिनेटली आंसर इट इन द नेक्स्ट Q&A सेशन, जो कि मैं ट्राई करूंगी हर मंथ एक Q&A सेशन हो जाए ताकि आपके डाउट सॉल्व हो. ओके, तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.